ये एक मोड ऑफ वाइब्रेशन एटम्स, हाँ ओके, तो दिस इज कलेक्टिव वाइब्रेशन, चेंज द फ्रीक्वेंसी, तो इसमें टॉर्शनल मोड होता है और स्ट्रेचिंग मोड होता है, वो मोड हमें पता लगेगा एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। साइन वेव लगाइए सर, हाँ साइन वेव है, साइन वेव है। स्ट्रेचिंग बॉन्ड है, ठीक है, राइट, तो ईट बॉन्ड इज गेटिंग स्ट्रेच्ड, ओके, 16 फुट, हाँ 16 के आसपास है, 16-17, ओके, एंड जो वो दूसरा मोड है वो 12 के आसपास है, तो दीज आर कॉल्ड डिफरेंट मोड्स ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ कंपोजिट सिस्टम। तो जैसे NMR है, दैट इज द एक्सपेरिमेंट, तो उससे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स या क्लस्टरिंग पता लगती है, ठीक है, तो आप NMR करा के आते हैं, या मॉलिकुलर स्ट्रक्चर पता लगता है NMR करा, आजकल MRI है, तो ये सारी जो रेजोनेंस टेक्निक्स हैं वो इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ओके, वट एवर इज द सिस्टम यू आर वेरिंग द फ्रीक्वेंसी एंड वेयर एवर देर इज द एब्सॉर्प्शन, ओके, यू गेट दैट इन्फॉर्मेशन इन टर्म्स ऑफ द वेरिएशन इन द डेंसिटी और वेरिएशन इन दी स्ट्रक्चर, ओके, सो वो एडवांस मशीन का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपको यहां करने को देखने को मिलता है, बिकॉज दीज थिंग्स आर सिंपल टू अंडरस्टैंड, सिग्नल जनरेटर समझ में आता है, स्पीकर समझ में आता है, कंपोजिट सिस्टम जो आपने बनाया है ये खुद ने बनाया, ओके, तो ये समझ में आता है, और इसकी वाइब्रेशन स्टेट्स अलग अलग हैं, अलग अलग फ्रिक्वेंसी पे ट्यूनिंग आप बार बार करते रहते, इसको आप बदलना है बदल लीजिए, यहाँ से खोल लीजिए, दूसरा मॉलिक्यूल बना के लगा लीजिए इस पर, ठीक है ना, यूजिंग दिस स्प्रिंग, नाउ दिस इज व्हाट द प्रोजेक्ट द स्टूडेंट शुड डू, कि मैं वाटर मॉलिक्यूल बना के लाना चाहता हूँ, तो एक बॉल ले और दो बॉल ऐसे लगा, ठीक है, तो H2O मॉलिक्यूल बनेगा, बेंजीन मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है ना, एंड देन उसको फिर इसी सिस्टम से हमारे यहाँ एनालिसिस कर ले, बिकॉज ये सिस्टम उसके लिए मुश्किल होगा, सिग्नल जनरेटर खरीदना, स्पीकर वगैरह नहीं है सर, ओके, बट दीज प्रोजेक्ट्स दे कैन मेक, सर इसमें ये मूवी वाले जो स्प्रिंग है ये तो एक जैसे हैं और हाँ, ये डिफरेंट है, ये एनर्जी ट्रांसफर के लिए, एनर्जी ट्रांसफर, ठीक, ये बॉन्ड की वही है बेसिकली, अब इसमें इस और इसमें क्या फर्क है, इसकी वेलोसिटी का फर्क है, ओके, ये मटेरियल अलग है, ये स्टील की है, ये फ्लेक्सिबल आयरन की है, ठीक है, इसको यदि चलाएंगे इन द सेम वे तो दिस आल्सो गिव्स यू डिफरेंट रेजोनेंस स्टेट्स, एंटी नोड दिखे आपको, ये नोट दिखा, इसमें हाँ, इसमें साफ दिखाई दे रहा है, ये हायर फ्रीक्वेंसी के है ना, इसलिए दिख रहा है, वो लो फ्रीक्वेंसी, ओके, दिख रहे हैं, व्हेन आई चेंज द फ्रीक्वेंसी तो नहीं आएंगे, राइट,
इस समय भी नजर आए 100 हर्ट्ज तक, ओके, डिफरेंट नंबर ऑफ मोड्स, ओके, तो दिस इज अ डिफरेंट मीडियम, ओके, बेसिक प्रिंसिपल सेम है, ठीक है, 2πi इक्वल टू लैम्डा, ओनली द फ्रीक्वेंसी रेंज यू कैन वेयर, और पता नहीं